तीन दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुमित हृदेश तथा विद्यालय के प्रबंधक और विशिष्ट अतिथि हेमंत बकरवाल और स्थानीय संयोजक प्रधानाचार्य जी के पंत उपस्थित रहे। उनके राज्य के 8 जनपदों से आए हुए 184 प्रतिभागी बास्केटबॉल खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रतिभागियों ने अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में बालक तथा बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम के अवसर पर उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आनंद सिंह खंपा तथा रॉयल बास्केटबॉल क्लब नैनीताल के हरीश चौधरी भी उपस्थित रहे। पहले दिन हुई प्रतियोगिताओं में अंडर 14 बालक वर्ग में नैनीताल ने प्रथम स्थान, देहरादून ने द्वितीय स्थान और पौड़ी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 बालिका वर्ग में पौड़ी ने प्रथम स्थान, देहरादून ने द्वितीय स्थान और नैनीताल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो आज जो ये आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो हमें विद्यालय शिक्षा देहरादून से नैनीताल जनपद को मिली है, ये इसमें जो हमारे पूरे उत्तराखंड के 8 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना टाइम के बाद से 2 साल प्रतियोगिताएं संपन्न नहीं हो पाई थी, तो 2 साल बाद फिर से जो हमारी प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, तो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हमारी आज यहाँ प्रारंभ हो रही है, इससे बच्चे जो हमारे निकलेंगे वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। हमारी टीम देहरादून से आई है और 6 वर्गों में हम प्रतिभाग कर रहे हैं, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वर्गों में, बालक बालिकाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं और टोटल हम 68 बच्चे आए हैं। जब भी नैनीताल आते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो यहाँ का आयोजन हमारे लिए एक भरपूर रहता है कि बहुत शानदार आयोजन होता है और बहुत शानदार व्यवस्थाएं रहती हैं और यहाँ खेलने में बड़ा आनंद आता है। इससे पहले एथलेटिक्स में आए थे और अभी फिर बास्केटबॉल में आए हैं। हम यहाँ पे देहरादून से आए और हम यहाँ पे स्टेट के लिए आए थे नैनीताल के लिए, और हमने वहाँ पे ब्लॉक्स खेले थे जिसके कारण हम सिलेक्ट हुए। कुछ आधे 3-4 स्कूल से हम एक साथ आए और हम मिलके एक 3-4 स्कूल मिलके एक टीम बन के आए ताकि हम खेल सके।